पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण में क्षेत्र के युवा प्रतिभा कर रहे हैं। कपूर के ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू ने पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए कहा कि कपूर क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पैराग्लाइडिंग के जरिए देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। कपूर के दुलम गाँव में 5 दिवसीय पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के दौरान जिला पर्यटन अधिकारी पी के गौतम ने कहा कि युवा पैराग्लाइडिंग सीखकर इसे रोजगार के तौर पर अपना सकते हैं। प्रशिक्षण में 26 युवा हिस्सा ले रहे हैं। पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण फ्लाई हिमालय एडवेंचर नोट बागेश्वर के माध्यम से कराया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य प्रशिक्षक जगदीश जोशी, हेमा तिवारी, मंजू परिहार आदि मौजूद थे। तारीख से हमने आप शुरू कराया अपना पैराग्लाइडिंग का कोर्स। आज हमारा डे वन है और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है आज का। हमने ग्राउंड हैंडलिंग बेसिक करा है और हमारे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है। इंस्ट्रक्टर हमारे यहाँ के सभी बहुत अच्छे हैं। जेडी सर और उनकी टीम में जितने भी सारे लोग हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं और वो एज ए न्यू कमर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं और उन्हें मतलब ऐसे वो नहीं करते कि उन्हें आ नहीं रहे तो डांट रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा काम है एंड बहुत कूल माइंडेडली सबको हेल्प करते हैं। अभी ये मेरा फर्स्ट टाइम है, अभी तो पहला दिन है, अभी धीरे धीरे सीखूंगा। ये 5 दिन का कैंप लगा है यहाँ पर, तो धीरे धीरे फर्स्ट टाइम है, काफ़ी अच्छा। अभी पहला दिन है और पहले दिन ही काफ़ी लोग मतलब अच्छे से समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और काफ़ी नॉलेज भी मिल रही है इसके बारे में। और बाकी हमको सुबह से करा है इसके बारे में, तो धीरे धीरे अभी 5 दिन है और ज़्यादा जानकारी मिलती रहेगी। ये ग्राम दुलम जो है यहाँ पर हम बच्चों को जो 5 दिवसीय सिखा रहे हैं। हमारा जो यहाँ पर मकसद है कि आने वाले समय में जनपद बागेश्वर में अच्छे अच्छे पायलट बने और टूरिज्म के क्षेत्र में, पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में आगे अच्छा अचीवमेंट हासिल करें, जिससे हमारे लोकल को रोजगार मिले और आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है ये नशे से और चीज़ से हट के अपने खेल की तरफ थोड़ा ध्यान दें। और हमारा जो इलाका है कपूर, ये जो देश दुनिया में आगे इसका नाम रोशन है। ये 5 दिन का प्रशिक्षण पड़ेगा जिसमें हम बेसिक बच्चों को करा रहे हैं, जिसमें ग्लाइडर के बारे में, ग्राउंड हैंडलिंग, छोटे छोटे टेकअप, ग्राउंड और ग्लाइडर के बारे में जानकारी और सभी बेसिक जानकारी यहाँ पर हम इनको देंगे। पर्यटन विभाग के द्वारा 5 दिवसीय बेसिक पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया जा रहा है। इसमें विकासखंड कपूर बागेश्वर के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं जो कि विभिन्न गाँवों से हैं और ज़्यादातर इसमें कपूर के बच्चों को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी जा रही है। और यहाँ पर बच्चों को 5 दिन रहकर रहना, खाना और ट्रेनिंग पैराग्लाइडिंग की बिल्कुल निःशुल्क होगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ बच्चे सीखेंगे और आगे चल के भविष्य में पैराग्लाइडिंग के पायलट के रूप में अपना जीवन आगे करके और उससे स्वरोजगार भी अपनाएंगे और इस चीज़ से कि उनको आय के अर्जित भी होंगे और हमारे उत्तराखंड और हमारे बागेश्वर जनपद बागेश्वर का नाम रोशन करेंगे। और ये आज दुलम गांव के ये मैदान में यहाँ पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिसमें माननीय प्रमुख क्षेत्र पंचायत प्रमुख के कार्यक्रम से ये प्रारंभ हुआ है और ये पैराग्लाइडिंग एक पर्यटन की बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। आज विकासन कपकोट के दुलम गांव में जिला पर्यटन विकास विभाग के जिला पर्यटन विकास विभाग के माध्यम से पैराग्लाइडिंग बेसिक का प्रशिक्षण 5 दिवसीय यहाँ पर शुभारंभ हुआ और जैसा कि बच्चों में काफी उत्साह यहाँ पर दिखा। 25-30 बच्चे हमारे विकासन कपूर और जनपद बागेश्वर के हैं जो प्रतिभागी हैं और बच्चों में एक लगातार नया उत्साह जिला पर्यटन अधिकारी के माध्यम से दिया जा रहा है। क्यों आपके माध्यम से रिवर राफ्टिंग भी पहले पिछली बार हुई और सबसे बड़ी बात है नेशनल ओपन पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2023 में जब कपूर में हुआ तो ये पूरे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गया। फिर जाले जो है पैराग्लाइडिंग हुई अंतर्राष्ट्रीय मेन में उसका नामांकन हो चुका है, चिन्हित हो चुका है वो। तो पैराग्लाइडिंग में बहुत ज्यादा भविष्य है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं आप स्वरोजगार अपने आत्मनिर्भर बने, जैसे कि हमारे जिला पर्यटन अधिकारी श्री गौतम जी ने भी कहा और लगातार वो जिला पर्यटन अधिकारी पेन भी लेते हैं कि भी जगह जगह लोगों को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार अपनाने के लिए इनको प्रेरित करें। तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रेकिंग रूट है, सुंदर गंगा ग्लेशियर रूट है और कफनी ग्लेशियर है, हीरामणी ग्लेशियर है, इन रूटों में जो पर्यटक आते हैं उनको एक दिन एक्स्ट्रा दिन कहाँ बिताएं इसके लिए वो लोग इस टाइप के स्पॉट यहाँ पर चिन्हित भी करें। और मैं धन्यवाद करता हूँ श्री गौतम जी का और अपने जे यानी जगदीश जोशी जी का जो भी यहाँ ट्रेनिंग देके नए बच्चों को उभार रहे हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक
यहाँ के बच्चों को प्रतिभाग करने के लिए भेजा है। इसके बाद हिमाचल में राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें भी कपोट बागेश्वर के बच्चों ने प्रतिभाग किया और मैं पुनः सभी बच्चों प्रसिद्ध बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रतियोगिता में भाग लेंगे, इसमें उम्मीद करता हूँ। और ये स्वरोजगार पर्यटन का यहाँ पर बहुत अच्छा स्कूल है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।